हेलो दोस्तों, मैं हूं तंजीम। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से एक बार अमेज़न की तरफ से वर्क फ्रॉम होम जॉब की वैकेंसी आई हुई है। अब ये वैकेंसी दोस्तों, आप ये सोचोगे कि इतनी जल्दी जल्दी अमेज़न क्यों लाता रहता है। इनके पास दोस्तों कई सारे जॉब प्रोफाइल्स रहते हैं और एक साथ इसको एक महीने में या फिर एक ही दिन सारा जॉब प्रोफाइल्स नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको वैकेंसी के तौर पर अलग अलग वीक में या फिर हर अल्टरनेट डे पर ये निकालते रहते हैं। तो जब भी ये नई वैकेंसी आती है, मैं आप लोग के सामने तुरंत आ जाता हूँ ताकि आप लोगों से जो भी छूट गया है उसको अप्लाई कर सके। आज जो है फिलहाल जो प्रोफाइल निकली हुई दोस्तों, वो टेक्निकल कस्टमर सर्विस की निकली हुई है, जो कि वर्क फ्रॉम होम है। कम्प्लीटली आप लोगों को घर से ही करना है। अब ये टाइटल में थोड़ा सा आप लोगों को चेंज दिख रहा होगा कि पहले तो सर आप बताते थे वर्चुअल कस्टमर सर्विस, अब ये टेक्निकल वर्चुअल कस्टमर सर्विस क्या है, तो मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो के बताऊंगा, तो उसको आप लोग जरूर देख के जाना। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले ये सुन लो। जो मेन चीज़ है, यहाँ पे 10+2 होना चाहिए, मतलब 12th पास अगर आप लोग हो मिनिमम, तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कर देना। उसके अलावा आप लोग ग्रेजुएट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो, बस थोड़ी सी इंग्लिश आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए। जो लोग इंग्लिश से घबराते हैं, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि बिल्कुल हिंदी में तो ये काम नहीं हो सकता। अमेज़न जो है बाहर की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, इंग्लिश इसमें ज़रूरत होती है। आप अपनी तरफ से अगर इंग्लिश को इम्प्रूव कर लोगे तो इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हो। ये ना सोचना चाहिए कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती तो अब मैं नहीं कोशिश नहीं करूँगा, इसमें अप्लाई नहीं करूँगा। तो इंग्लिश की एक ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यहाँ आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, उसको जाके पहले अगर आप लोग उसको क्लिक करके देख लोगे तो ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये है कि सैलरी, सब लोग पूछते हैं कि सैलरी कितनी रहेगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप लोग बिल्कुल फ्रेशर हो, जीरो इयर्स का बता रहा हूँ, 12th पास किया आपने, आप कहीं काम नहीं मिला, जीरो इयर्स के हो, तो आप लोग को सैलरी यहाँ पे 25 से 26 हज़ार पर मंथ मिलेगी, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और अगर आप लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो या फिर कुछ और भी सर्टिफिकेशन वगैरह किए हो, तो उसके बेसिस पे आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। यहाँ पे जैसा मैं पहले भी वीडियोस में बताते आ रहा हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। जैसे आप लोग को ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, नाइट टाइम अलाउंस मिलता है। अच्छा, नाइट टाइम अलाउंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 24/7 शिफ्ट हो सकती है, कभी मॉर्निंग में, दोपहर में, इवनिंग में या फिर नाइट में। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप उसमें देखोगे कि आपका शेड्यूल उसमें चेंज होता रहेगा, और आपको मिनिमम 5 डेज ही आप लोगों को काम करना है, आपको हफ्ते में 5 दिन ही काम करना है। ज़रूरी नहीं है सैटरडे संडे हो, लेकिन 5 दिन आप लोग काम कर सकते हो, 2 दिन आप लोगों की छुट्टी यहाँ पे रहेगी। तो ये डिटेल में हम जानेंगे दोस्तों। आप लोग को मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे इस टेस्ट को आप 100% क्रैक कर सकते हो। मैं और भी वीडियोज़ में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ अलग चीज़ भी बताने वाला हूँ, तो इसको वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि उसको भूल जाओगे तो आप लोग अधूरा ही फील करके आ जाओगे और हो सकता है आपका सिलेक्शन उस वजह से ना हो, तो उसको बिल्कुल मिस करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना। पहली बार आ रहे हो चैनल पर, मेक श्योर नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली अपडेट्स मैं आप लोग लाता रहता हूँ दोस्तों। बिना किसी तरीके आइए, जानते हैं सब कुछ ए टू जेड। अब दोस्तों, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाओगे। आप लोग यहाँ पे अप्लाई तो अपने मोबाइल से कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अगर मोबाइल से करते हो अप्लाई करने के लिए, तो आपको डेस्कटॉप वर्जन जो क्रोम में होता है उसको ओपन कर लेना है, ऑन कर लेना है, तो आप उसको फिल कर सकते हो। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो बेस्ट यही होगा कि आप अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप से ही आप इसको करना, ठीक है। एक चीज़ मैं वीडियो के शुरू में बताना भूल गया था कि यहाँ पे आपको डेस्कटॉप फ्री में मिलेगा, आप लोग घर पे आपको जो है दी जाएगी, वहाँ पर डिलीवरी होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो, और आपका जो भी इंटरनेट का खर्चा आएगा वो अमेज़न कंपनी खुद उठाएगी। इसको मैंने पहले स्किप कर दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ, हर वीडियो में ये बताता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे जल्दी से। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म इस तरीके का खुलेगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक किया है कि आपका कैमरा यूज़ करना है अपने फ़ोटो को क्लिक करने के लिए। ऐसा नहीं कि पहले बहुत अच्छी सी आपने फ़ोटो लगा रखी है उसी को हम अपलोड करेंगे, तो आप जो है अच्छा सा मतलब ड्रेसअप जो है प्रोफेशनल एट के शर्ट पहन के या जो भी प्रोफेशनल लुक होता है उसमें आप लोग कैमरे का फोटो लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का फोटो होना चाहिए, कोई ब्लरी सीन वगैरह नहीं होना चाहिए, क्लियर फोटो आना चाहिए, और आप इसको नेक्स्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी चीज़ें जो फॉर्म है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इससे पहले आप लोग को मैं जॉब डिस्क्रिप्शन बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस है इंडिया के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि पूरे इंडिया के लिए, पैन इंडिया जब भी बोलते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि पैन कार्ड मांग रहा है क्या, तो ऐसा नहीं है। पैन इंडिया का मतलब होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस में ये जो है हायरिंग हो रही है, तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। अब बात आता है वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस हो, तो अगर हम इसके
बारे में पढ़ लें तो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे कहीं भी मैंने ये नहीं दिखा कि यहाँ पे टेक्निकल वाला कुछ काम करना है आपको। ये सेम वैसा ही है जैसा कि अमेज़न का जो है वर्चुअल कस्टमर सर्विस आता है VCS का, उसी तरीके का ये जॉब रोल है। यहाँ पे टेक्निकल इन्होंने क्यों लिखा है ये मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर यहाँ पे क्लियर पूछोगे देखोगे यहाँ पे बोला है कि एसोसिएट्स जो है कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करेंगे ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू, जो कि पहले भी वर्चुअल कस्टमर सर्विस में होता आया है। तो आप इसी तरीके की इस जॉब प्रोफाइल में भी अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इस प्रोफाइल के लिए तो मैं अप्लाई कर चुका था, तो अगर ये वर्चुअल कस्टमर सर्विस में अप्लाई किए थे तो इस ये जो प्रोफाइल है ये डिफरेंट है। वर्चुअल टेक्निकल कस्टमर सर्विस जो टाइटल है ये डिफरेंट हो, आप इसमें फिर से अप्लाई कर सकते हो। वरना जो कूलिंग पीरियड होती है वो 90 डेज की होती है एक प्रोफाइल के लिए। अब सपोज आपने VCS के लिए अप्लाई किया था 90 डेज पहले, तो आप दोबारा आप कर सकते हो 90 डेज बाद। और नहीं तो अगर आप आज VCS की अप्लाई किए हो तो कल जो है SBS की कर सकते हो, सेलर सपोर्ट की कर सकते हो, कैटलॉग एसोसिएट की कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। इसी तरीके से देखिए, ये बाकी के डिटेल में इसमें नहीं जा रहा, काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। अब देखिए नीचे आते हैं हम, आपको मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से क्या यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। लीगल फर्स्ट नेम जो आपका सर्टिफिकेशन पे रहता है 10-12 मार्कशीट पे, वही नाम आप लोगों को लिखना है। लास्ट नेम लिखना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका डालना है, सही सही तरीके से डेट ऑफ बर्थ आप क्लिक करोगे DDMMYY में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जेंडर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। आपके बाद अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यस, अदरवाइज नो करोगे। यहाँ पे आपने कैसे जाना कि इस जॉब के बारे में, तो आप ऑनलाइन जॉब बोर्ड कर सकते हो, और किसके थ्रू, अगर आप नौकरी के थ्रू डालते हो या फिर अगर यूट्यूब के थ्रू तो आप अदर्स डाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो आप यहाँ पे जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है आप यहाँ पे कर सकते हो, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, हिंदी, तो अगर आप हिंदी है हिंदी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डिसेबिलिटी अगर है तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल आपका क्या है, बिल्कुल 12th पास हो या ग्रेजुएट पास हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं है काम का, आप प्रेशर डालना, अदरवाइज एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस जरूर वहां पे डाल सकते हो। अगर एक्सपीरियंस जो लोग डाल रहे हैं तो यहां पे आपको जो करंट एम्प्लॉयर है फिर जो पहले काम की हो वहां पे आपका उसका एम्प्लॉयर का नाम रखना है, लिखना है, मतलब उस कंपनी का नाम। अभी मैं फ्रेशर यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे देखिए नॉन टेक्निकल का यहां पे लिखा हुआ है कि आप ये नॉन टेक्निकल का काम करना चाहते हो तो रोटेशनल में काम करना होगा, इवनिंग, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट हो सकती है। आप तैयार हो, आप बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि आप घर से काम कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे ये बोला है कि क्या आप उस लोकेशन पे प्रेजेंट हो जहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन किया। आप जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है ऑल ओवर इंडिया, तो आप यस, आप उस लोकेशन पे हो ऑलरेडी, आप उस, तो उसके लिए आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पे यस कर सकते हो, ठीक है। अब मेन देखिए यहाँ पे यूज़ कैमरा करना है अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के लिए, तो आप अगर कैमरा मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे यूज़ कैमरा पे क्लिक करोगे और अपना फोटो यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर दोगे, मतलब वहाँ पे ओके कर दोगे तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करना है कि फोटो को छोटा करना है, बड़ा करना है, चेंज करना है कुछ, यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप का कैमरा ओपन हो जाएगा, आपका फोटो खींच जाएगा, ठीक है। कंसेंट में ये सारी चीज़ों को आप कंसेंट को एग्री कर लोगे, टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे, और उसके बाद आप इसको जो है सबमिट कर दोगे। अब देखिए मेन मुद्दे की बात आती है, आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, यहाँ पे 2 मिनट सुन लीजिए। अब इसके बाद होता क्या, आप लोगों को मेल आएगी असेसमेंट की तुरंत 5 मिनट 10 मिनट या फिर पूरे 24 घंटे के अंदर एक मेल आ जाती है। वो टेस्ट असेसमेंट मेल क्या होता है, उसको क्लिक करने के बाद आपका असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि 48 घंटे के लिए वैलिड होता है, मतलब वो लिंक जो है 48 घंटे के लिए वैलिड होता है, मतलब 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद आपका वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, 2 दिन के अंदर ही आपको वो टेस्ट देना होता है। अब इसको टेस्ट लिंक को क्लिक करने से पहले दोस्तों मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि मैंने पहले ही इस पर बहुत ज़्यादा आप लोग को मेहनत किया है इस पर और आप लोग को बताया है कि कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, कई लोग क्रैक भी किए हैं। तो इसके लिए आप 2 काम कर सकते हो, एक तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया हुआ, यहाँ पर आई कार्ड दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस भी समझ लोगे। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने जो है एक वेल डिज़ाइन, एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमने जो है सारा का सारा मटेरियल एक जगह डाल दिया है और एक स्पेशल पैकेज तैयार किया हुआ है खासतौर से अमेज़न VCS के लिए। अमेज़न VCS में दोस्तों हमारे पास 2 पैकेज है और यहाँ पे एकदम हैवी डिस्काउंट चल रहा है आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। एक जो पैकेज है दोस्तों उसमें सिर्फ आपको लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन एंड आंसर्स ही मिलेंगे, जो लेटेस्ट पैटर्न पे आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन से आप लोग वाकिफ हो जाओगे, ठीक है, वो आप देख सकते हो। उसमें देखिए वहाँ पे कोई प्रैक्टिस सेट इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे वॉइस वर्सेंट का एक तरह से कोई बहुत ही प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हो तो वहाँ से आप देख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको एक कंप्लीट जानकारी चाहिए कि अमेज़न VCS है क्या, उसका हम लोग कितने 20 MCQs आते हैं, उसके उसमें हमको प्रैक्टिस भी करना है, लाइव टेस्ट प्रैक्टिस करना है, उसके अलावा जो वॉइस वर्सेंट आते हैं वो लाइव कैसे आते हैं, टेस्ट देने वक्त क्या क्या हमको ध्यान में रखना चाहिए, और उसके अलावा
हम और भी क्वेश्चंस कैसे वॉइस वर्सन के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अलावा जो है हम लास्ट में जो है असेसमेंट के बाद जो कुछ और क्वेश्चंस आते हैं जो नेट पैटर्न पे, उसको हम कैसे करेंगे, तो उसकी कंप्लीट गाइड हमने तैयार कर रखी है दोस्तों। तो वो जो है आपको जो है ब्लू वाले जो है बुकलेट में आप लोग को मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों पैकेज आप जरूर चेक कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और एक सबसे बड़ी बात और बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने पिछले बार अभी कुछ दिन पहले मैंने टीचर्स पे एक बनाया था वैकेंसी पे, वो वीडियो पे आप लोग को ज़रूर जाके देख लेना चाहिए क्योंकि अभी भी उसकी अवेलेबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, आप लोग उसको जाके देख लेना। उसके लिए भी हमने एक ऑल इन वन नोट्स तैयार कर रखा है, उसको देख के काफ़ी सारे लोग जो है तैयारी कर रहे हैं और उसमें ऑलमोस्ट जो है क्रैक भी कर लेंगे, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम जो है हर महीने होगा TCS NQT का, और उसमें जो है ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उनके पास वैकेंसीज निकलती जाएगी। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा लिंक में, उस तीनों को जाके जरूर देख लेना। और इस वीडियो को अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर मार देना, पहली बार आ रहे चैनल में तो मेक श्योर नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन उसको जरूर दबा देना, बगल में नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर देना क्योंकि ऐसी डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग के लिए आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।